खबर आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं, जहां पर शिवालय कैलाश शादी समारोह में आए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक रोहित कुमार पुत्र श्री महिपाल सिंह ग्राम गल्ला खेड़ी थाना स्योहारा निवासी ग्राम इस्माइलपुर में अपनी बुआ के बेटे की शादी में भात भरने के लिए आया हुआ था। परिजनों ने बताया कि मृतक रोहित अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर था और नूरपुर की ओर से तेज गति से आ रही अल्टो 800 कार ने रोहित के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। और रोहित की मौत से परिजनों एवं रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। भागने की कोशिश कर रहे कार चालक को ग्रामीणों के मदद से पकड़ लिया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का बिना पंचनामा भरे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने मृतक के हत्यारे कार चालक को ग्राम प्रधान मोहम्मद अनीस द्वारा उसकी मदद करने एवं मृतक को लावारिस बताने एवं परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और थाना SHO शिवदीन वर्मा को मृतक के आरोपी कार चालक एवं ग्राम प्रधान दोनों से हमसाज होने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों और रिश्तेदारों ने रोड जाम कर दिया। इसकी सूचना पर क्षेत्राधिकारी सुनीता दैया एवं SP ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गुस्साए परिजनों को समझा बुझाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत किया। मृतक के परिजन एवं रिश्तेदार ग्राम प्रधान मोहम्मद अनीश के अभद्र व्यवहार एवं थाना प्रभारी की घटिया कार्यशैली से और भी अधिक सदमे में हैं। अपना कारज में दे, मम्मी ने भेजा था आपको हमारे दरोगा साहब गाड़ी नहीं अंदर है। दरोगा साहब गाड़ी मारे मुझे देखो गाड़ी दरोगा साहब हमारी गाड़ी रोक दे फिर द्वारा रुको दरोगा इधर देखो दरोगा साहब गाड़ी नहीं आने दे रहे। अनीश प्रधान ने अंदर बैठा है, वो उनने पैसे भरे हैं। दरोगा ने गाड़ी कब्ज कर ली, हम थाने में मंगा रहे थे लोंडे को, यहाँ मंगाए थे, सबको दिखाते हैं हम। उनने गाड़ी कब्ज कर ली, दरोगा ने अनीश ने दिया तो अंदर बढ़ लिया। वो पैसे प्रधान है हमारे आपका, उनने उसे ड्राइवर को भगाया है और हमारे साथ हाथापाई करी मामा के लोंडे के साथ। इतना हम मौके वारदात पर पहुंचे, उन्होंने ड्राइवर को सबको भगा दिया। अनीश का जाति बिरादरी का है ये मामला, जहाँ भी बिरादर होता मोमदन मोमदन सब एक होते, वो भी तेली और यो भी तेली, मारने वाला भी तेली है और ड्राइवर भी तेली था वो, और ये प्रधान जी भी तेली है। हाँ, और प्रधान जी पैसे लाए थे अंदर दरोगा को दिए, हमारे फोन की लोकेशन दिखवाई उन्होंने, बात करी हमारे फोन से कहाँ हो तुम, गाड़ी कहाँ आ रही है, हमने बोली हमारी थाने पे ला रहे हम लोंडे को। इन्होंने बीच में नोगाए में 2 किलोमीटर यहाँ से शिवाला थाना से गाड़ी भेज दी हमारे सामने, हमें भनकना पड़ रही थी। हमारे सामने गई गाड़ी, 6-7 पुलिस वाले गए, हमारी गाड़ी 2-3 थी वहाँ आते हुए, उन्हें सबको हटा के गाड़ी कब्ज में लेके पता ना बिजनौर जी ने कहाँ गए। 2 घंटे हो गए, लोंडा जिंदा भी था या हमारा कैसा भी था, हम अपने हाथ दिखाते थाने में लाए गए। उसके बाद जहाँ भेजते उसके बाद हम जहाँ भेजते वो हमारी लापरवाही, हम अपनी मर्जी से भेजते। अब वो जिंदा भी था, अब कुछ हो गया अगर हमारे लड़का दरोगा और अनीश प्रधान जिंदा बाहर है उसका लड़का दरोगा ना कब्ज कर लेगा गाड़ी, नूरपुर से भी ना दे रहा बिजनौर के लिए निकलवाई थी नया से, हमें पता निकला यहाँ निकली गाड़ी, ना तो हम यही खड़े थे। दरोगा इस बात का मुझे पता, दरोगा कौन है, पहली दफा थाने में पैर रखा मैंने, कोतवाल साहब है दरोगा है, मैंने पता गाली उन्हें कब दुआई हमारे आदमी होते कुछ नहीं। बात सुनिए आप कौन हो उनकी बेटे का क्या नाम, बेटे का क्या नाम है? रोहित। अच्छा, कहाँ से है वो, क्या गल्ला खेड़ी था। अच्छा, आप कहाँ से हैं? इस्माइलपुर से। आपका क्या नाम है? रीता। अच्छा, आपका क्या कैसे क्या बात हुई है? अरे मैं तो अंदर थी, मैं मानो मैं गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया और इसने फिर धान ने पिटवाए आ रहे मेरे लाल घूरे। प्रधान कौन है? हाँ प्रधान कौन है? मुन्ने पिटवाए का मुन्नू प्रधान अनीश प्रधान है गायो। उसने क्या किया? इसमें आप लोगों के साथ हैं, ये सड़क दुर्घटना हुई उसमें एक जनहानि हुई है, हम आप ही के साथ हैं, आप हमको अपना ही साथी माने और आप लोग बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोग आपके विरोध में हैं, हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग के लिए हैं। अब हम जा रहे हैं, आप लिखित में आपने 2 तहरीर दी हैं,
दोनों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर दर्ज होकर कड़ी कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी। और आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप लोग अनावश्यक कानून को अपने हाथ में ना लें। ये अच्छी बात नहीं होती है। आप लोग समझदार लोग हैं, हम आप ही के सहयोग के लिए होते हैं और आपके सहयोग से ही हम लोग चल पाते हैं। अनावश्यक आप कोई भी ऐसा इशू क्रिएट करेंगे जिससे कानून व्यवस्था बाधित हो तो वो आपके खिलाफ जाएगी। कानून व्यवस्था प्रभावित होगी तो निसंदेह और भी दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज, आप लोग सभी जाएं और कड़ी कार्रवाई। हम आश्वस्त करते हैं कि जिसने ये दुर्घटना की है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी और की जा रही है। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।